हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं शिक्षक होने के नाते आपको सब कुछ पढ़ाना चाहिए, फादर होने के नाते आपको अपने बच्चों का समर्थन करना चाहिए, बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसे पढ़ाना होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। उससे पहले हम लोग जानते हैं नाते, किसी चीज़ के होने के नाते, से भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं बींग। बींग के बाद हम लोग अदर वर्ड्स लगाते हैं और कमा, कमा लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, भाई होने के नाते मुझे उसे पढ़ाना होगा। बींग ब्रदर आई हैव टू गेट हिम टॉट। बींग ब्रदर I'll have to get him taught। ये causative verb है, किसी और से पढ़ाएंगे, पढ़ाना होगा, खुद नहीं। अगर खुद पढ़ाएंगे तो बोलेंगे being brother I'll have to make him teach। being brother I'll have to make him teach। next sentence, पिता होने के नाते आपको अपने बच्चों का समर्थन देना चाहिए। इस sentence के लिए आप बोलेंगे being father you should support your children। being father You should support your children। सेंस के हिसाब से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, Being father, you are supposed to support your children। यहाँ पर मैंने supposed to का यूज किया है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, उसको भी देख सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे Being a teacher, I will teach you everything। Being a teacher, I'll teach you everything। Next sentence, बहन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। इस sentence के लिए बोलेंगे Being sister, it is my responsibility। Being sister, it is my responsibility। Hey guys, इससे जुड़े मैं आपको एक sentence दे रहा हूँ, उसको translate कीजिए comment box में। If you make any mistake, then I'll correct it। Thanks for watching friends। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं यह खतरनाक हो सकता है या यह खतरनाक हो सकता था, पास्ट में भी बोलते हैं, यह बहुत आसान हो सकता है लेकिन तुमने इसे कॉम्प्लिकेटिव बना दिया, वे लोग मुसीबत में हो सकते हैं, मुझे जाना होगा, किताब उस कमरे में हो सकती है, वहाँ जाके ले लूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो कोई सामान हो या कोई इंसान हो, कहीं पर हो सकता है या हो सकता था, तो हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, या हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, इन सभी सेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे कुड बी का। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे कुड बी। कुड बी को लगाने के बाद अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर वर्ब ना हो, अदर वर्ड्स जो भी आएगा उसको आपको राइट कर देना है। नेगेटिव का रहेगा तो कुड के बाद नोट हो जाएगा कुडंट। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ये खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट डू इट, इट कुड बी डेंजरस। डोंट डू इट, इट कुड बी डेंजरस, या दिस कुड बी डेंजरस। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बहुत आसान हो सकता था, तुमने इसे कॉम्प्लिकेटिव बना दिया। इसके लिए बोलेंगे दिस कुड बी वेरी इजी बट यू मेड इट कॉम्प्लिकेटिव। दिस कुड बी वेरी इजी बट यू मेड इट वेरी कॉम्प्लिकेटिव। वेरी नहीं, सिर्फ कॉम्प्लिकेटिव लगाइए सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वे लोग मुसीबत में हो सकते हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। इस सेंटेंस के लिए कहिएगा दे कुड बी इन ट्रबल, आई हैव टू गो देयर। दे कुड बी इन ट्रबल, आई हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ ट्रबल के जगह बॉदर भी यूज कर सकते हैं, इन डेंजर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, किताब उस कमरे में हो सकता है। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द बुक कुड बी इन दैट रूम, द बुक कुड बी इन दैट रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा अभी ऑफिस में हो सकते हैं।
सेंटेंस के लिए बोलेंगे द फादर कुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ, द फादर कुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ, या डैड कुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ, सिर्फ नाउ भी लगा सकते हैं। हे गाइज, आई थिंक आपने इस स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से समझा। सो इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।